Good morning. This is Sweta and welcome back to my channel Prime Mom. कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ और वैसे रू भी ठीक है लेकिन उतने ठीक नहीं है. एक्चुअली क्या हुआ है कि बिहार में अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी बारिश का टाइम चल रहा है, हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, और जिसके कारण बच्चों को जल्दी लग जाती है ठंडी. तो क्या हुआ कि रात में सो रहे थे बेबी तो थोड़ी सी ठंड लग गई है. मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ बारिश होने वाली है, तो बारिश हो गई तो फिर मैं सुबह सुबह जगा के बेबी को स्वेटर पहनाई, क्योंकि सुबह उठने के बाद ही मुझे पता चला कि बारिश हुई है. तो अभी स्वेटर पहन लिए हैं इनका. इधर देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए सभी को. रू बेटा, हाँ तो आप सब बताना आप सबके साइड क्या बारिश हो रही है, उधर कैसा है मौसम. और आप लोगों से एक बात करनी थी, जैसे कि पहले के टाइम में क्या, जैसे कि अभी बेबी छोटा रहता है तो इसे मेन सब मिलजुल के खिलाते हैं, सब अच्छे से रखते हैं इसे. और जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है कि मतलब कि अधिकतर जो सिटीज़ के अंदर ये होता है कि जब भी बच्चे बड़े होते हैं तो जो मम्मीज़ एंड डैडीज़ जो भी होते हैं वो अपने बच्चे को मोस्टली प्रीफर करते हैं इंडोर गेम्स के लिए, कि आप इंडोर गेम्स खेलो. या फिर मतलब कि ये भी होता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं छोटे बच्चे. तो पेरेंट्स अगर कभी किसी चीज़ में, इधर देखिए, तो पेरेंट्स कभी किसी चीज़ में बिजी रहते हैं तो अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं. तो अगर बेबी छोटा है तब तो वो समझ नहीं रहा है. तो अभी के टाइम में एक इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पबजी गेम की. तो ये गेम क्या है, कैसे खेलते हैं, इसके कारण क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत सारे लोग मतलब कि इसके कारण बच्चों के साथ कुछ गलत चीज़ें हो गई हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं आगे चल के, और भी बहुत सारे केस हैं जो सामने आए हुए हैं, जिसके कुछ स्क्रीन शॉट्स मैंने रखे हैं. तो चाह रही हूँ कि आज मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ. और मैं ये वीडियो सभी के लिए है, क्योंकि सभी के घर छोटे बच्चे हैं या फिर 10th 12th में पढ़ने वाले हों या फिर जो भी हों. मतलब कि अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप कोशिश करें कि उन्हें पार्क में ले जाएं, उन्हें टाइम दें, वो पार्क में जाके अच्छे से खेल सकते हैं. तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम लोग बहुत छोटी बातें समझते हैं लेकिन ये चीज़ें बड़ी हैं. हमें अपने बच्चों के लिए इतना सोचना चाहिए, इतना करना चाहिए. और मैं लास्ट में पबजी गेम से मैं रिलेटेड जो भी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि कैसे गेम को छोड़ना है. ये सारे कुछ जो मेरे पर्सनल टिप्स हैं वो मैं देना चाहती हूँ. तो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करती हूँ इस बारे में डिटेल, कि आखिर क्या हो गया है अपने इंडिया के अंदर. अगर बैन किया जा रहा है तो जो पबजी गेम खेलने वाले हैं उनका ये कहना है कि आप बीड़ी सिगरेट तो बैन नहीं कर रहे हो और पबजी जो गेम है उसे आप बैन करने में लगे हुए हो. तो हर इंसान अपने बचाव में कुछ ना कुछ बोलता ही है. तो इस तरह के जो पबजी गेम खेलने वाले बच्चे हैं वो इस तरह की बातें रख रहे हैं कि इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पबजी गेम से ज़्यादा सीरियस है, आप उन पे फोकस करो, उन्हें बैन करो, इसे नहीं करो. और क्या कहूँ, मतलब कि अगर इनकेस बाहर में अगर बीड़ी सिगरेट गुटखा अगर मना किया जा रहा है तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने घरों में पीते हैं. तो वही चीज़ है, अगर बाहर में बैन किया जा रहा है पबजी गेम को तो बच्चे घर में खेलेंगे. लेकिन क्या है सॉल्यूशन, ये नहीं है सॉल्यूशन, कुछ और है. यानी कि जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ क्या कर रही है, जब भी गेम वगैरह बना रही है और हम गेम को डाउनलोड करके हम उसे खेलना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो जिस पॉलिसी के अंदर वो गेम को पास किया जाता है कि हाँ ये गेम आप मतलब कि वो कोई भी डाउनलोड करके खेल सकता है, जब ये चीज़ हो रही है तो उस टाइम ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम ही देखने का कि कैसे क्या हो रहा है, कि क्या पता कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाए. मतलब कि जो पबजी गेम है वो 2017 से लॉन्च किया हुआ है लेकिन अभी के टाइम में वो ज़्यादा सीरियस केस बन चुका है. तो इसके लिए मैं डिटेल थोड़ी देर बाद बात करती हूँ.
हाँ तो शाम हो चुकी है, टाइमिंग अप्रॉक्स 5:30 हो रहा है। और इस टाइम रू बेबी क्या की है, अपने नानी के साथ थोड़ी सी सैर पे निकले हुए हैं आसपास में। आपको तो बताई थी मैं कि इनको घूमना पसंद है, तो वो घूमने के लिए अपने नानी के साथ निकले हैं। तो मैं सोची कि मैं ब्लॉग कर लेती हूँ। तो आज जो मैं बात कर रही थी पबजी गेम के बारे में, तो ऐसा है कि हमारे पर्सनल लाइफ में या फिर अपने देश के अंदर कहीं भी किसी भी चीज़ का अगर एक होता है अति होना, अगर उस चीज़ का किसी भी चीज़ का अगर अति हो रहा है तो उस चीज़ को रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ जो पबजी गेम है इसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो बैन करना ज़रूरी है। कुछ अभी के टाइम में कुछ इसके बैड रिजल्ट्स आए हुए हैं। मेरे पास कुछ ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स तो नहीं है इसके, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। और मैं ये चाहूँगी कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन चीज़ों से अवेयर हो जाए, या फिर कई होंगे जो अवेयर होंगे पहले से। तो मैं अपनी जो भी मुझे लग रहा है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ क्या, जैसे कि एक सबसे पहले एक महाराष्ट्र से न्यूज आई कि महाराष्ट्र में पबजी गेम खेलने के कारण दो ऐसे लड़के थे जो गेम को खेल रहे थे और वो रेलवे ट्रैक के सामने में चले गए, तो फिर ट्रेन क्रॉस कर गई जिसके कारण उनकी डेथ हो गई, वो बचे नहीं। तो इस तरह के केसेस आ चुके हैं कि अगर बच्चा गेम में लगा हुआ है तो हाँ लगा ही है, फिर वो कुछ और नहीं कर रहा है। तो यही चीजें है कि अब बुरी असर पड़ रहे हैं बच्चों के ऊपर। और एक और न्यूज आई थी, जलंधर का एक लड़का था जो अपने फादर के मतलब कि बैंक अकाउंट से, उनके बैंक अकाउंट से लगभग 50,000 रुपीज मतलब कि डिडक्ट हो गए थे। तो वो पता किए तो उनको पता चला कि ये कहीं और से नहीं, उनके मतलब उनके परमिशन के थ्रू, यानी कि जब भी हमारे बैंक अकाउंट से कुछ पैसे डिडक्ट वगैरह होते हैं तो हमारे पास ओटीपी पासवर्ड वगैरह आता ही है। अगर हम अपनी ओटीपी किसी को शेयर करते हैं तभी कोई कुछ हमारे साथ इस तरह की चीजें हो सकती है। तो उनके साथ भी यही चीजें हुई, तो उनको डिटेल बताया कि नहीं आपके परमिशन से हुआ है, आपने ओटीपी सब कुछ शेयर किया है। तो हुआ ये कि फिर बाद में उस लड़के ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने पबजी के कुछ स्किन्स खरीदे थे जिस कारण मुझे इन पैसों की जरूरत पड़ी थी। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना मोबाइल अपने पास रख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, अगर हम हमेशा के लिए, ये पबजी गेम से रिलेटेड बात नहीं है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो मोबाइल अपना कोशिश करें कि अपना अगर वैसे फादर वगैरह हैं जिनके बैंक अकाउंट में उनके मोबाइल डिटेल्स दिए रहते हैं तो कोशिश करें कि पासवर्ड वगैरह कुछ रखे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब बच्चे 15 साल 18 साल के एज में होते हैं तो वो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, वो इस तरह के जो मिस्टेक्स होते हैं वो कर लेते हैं, बाद में एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज़ें अलग है, लेकिन लॉस तो हो ही जाता है। तो वही चीज़ हुआ। और एक और आई कर्नाटका की एक न्यूज़ आई, कर्नाटका का जो लड़का है वो अपने क्लास के अंदर टॉप कर रहा था और जो पबजी गेम के कारण उसे मतलब कि ऐसा उसका माइंड वॉश हुआ, क्या हुआ कि वो पढ़ाई को एकदम से छोड़ दिया। और जब उसके पेपर्स हुए तो उसने अपने आंसर शीट में मतलब पबजी गेम के बारे में क्या है, कैसे खेलते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वो अपने आंसर शीट में भर के आया। तो सोचिए इस गेम का कितना बुरा असर पड़ रहा है बच्चों पे। और एक दिल्ली से न्यूज आई कि दिल्ली का एक लड़का है जो इस गेम को खेल रहा था, तो उसने क्या किया कि उसने अपने फैमिली में कुछ मेंबर्स को ही जान से मार डाले, जैसे कि उस अपने भाई को, अपनी बहन को। तो इस तरह का भी एक न्यूज मिला। और इस तरह का भी न्यूज मिला एक कि एक 15 इयर्स का एक लड़का है वो मिसिंग हो चुका है, तो उसके फादर जाके कंप्लेन लिखा है कि हाँ मेरा जो मेरा बेटा है वो मिसिंग हो चुका है। और उन्होंने अब कन्फर्म नहीं, लेकिन उन्होंने इतना तो जरूर मेंशन किया कि जो मेरा बेटा था वो पबजी एडिक्टेड था। तो हाल फिलहाल के टाइम में पबजी को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है, इस गेम से रिलेटेड सारी बातें की जा रही, तो ऐसा उसके फादर को लग रहा है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी जो पबजी एडिक्टेड है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई पबजी मेरा जानकार है, मेरी फैमिली से है, वो एडिक्टेड है, तो उसे ये चीज छोड़ देनी चाहिए। छोड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जो चीज पसंद करते हैं, यानी कि आप अगर आप घूमना पसंद करते हो तो आप वो कर लो। एक तरह से कहूंगी पबजी छोड़ के कोई और गेम, जो गेम सेफ हो, जो अच्छा हो, थोड़ा बहुत अपने मन को बहलाने के लिए और उस गेम से डिस्टेंस बनाने के लिए आप ये चीजें चाहे तो आप कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे हैं उनका तो पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, वो चाहे तो मतलब कि मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं जिससे पता चलेगा कि हाँ उनका एम क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, तो अपना वो चीजें पढ़ सकते हैं जो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा।
तो यही है कुछ तरीके, आप पर्सनल तरीके भी अगर आपके कुछ हैं पबजी गेम से रिलेटेड, या फिर आप इसके लिए क्या सोच रहे हो, इसे बैन करने से रिलेटेड क्या बात है क्या नहीं, आप चाहे तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ब्लॉग एंड कर रही हूँ, शाम हो गई है। ठीक है, तो फिर बाय बाय, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।